हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभी क्रोएशिया में, जो कि एक ईस्टर्न यूरोप कंट्री है। क्रोएशिया बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और बहुत सस्ती कंट्री है। अगर आपको इंडिया से क्रोएशिया आना है तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आपको वाया दुबई या वाया इस्तांबुल आना पड़ेगा। सेंजन वीज़ा से आप क्रोएशिया ट्रैवल कर सकते हो। सेंजन वीज़ा या सेंजन एरिया में अभी क्रोएशिया ऐड हुआ है, तो आपको अगर सेंजन वीज़ा है आपके पास कोई भी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो आप क्रोएशिया आ सकते हो। काफ़ी सस्ती कंट्री है, होटल भी अच्छे हैं, जो कि दो तीन होटल मैं सजेस्ट करूँगा। होटल इंटरनेशनल, होटल अरिस्टो जो कि एयरपोर्ट के बाजू में है, और होटल इंटरनेशनल जो है वो सेंटर ऑफ सिटी में है। इंडियन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, दो तीन इंडियन रेस्टोरेंट अच्छे हैं। क्रोएशिया में दो तीन स्पॉट है अच्छे, एक तो है ज़ाग्रेब, जो कि आपको कैपिटल सिटी है क्रोएशिया की। दूसरा है दुब्रोनिक, जो कि कोस्टल एरिया सी साइड है। तो जो ज़ाग्रेब है वो कैपिटल सिटी होने के कारण आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। या हम लोग अभी ज़ाग्रेब में ही है, ज़ाग्रेब से बाहर आया हूँ मैं रोड ट्रिप पे, तो ये ज़ाग्रेब का ही व्यू है। और अगर दुब्रोनिक एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ से एक घंटे की फ्लाइट है और 6-7 घंटे का बस। तो दुब्रोनिक मैं सजेस्ट करूँगा, आप दुब्रोनिक मस्ट विज़िट कीजिए। दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैं स्पेशली कहना चाहूँगा क्रोएशिया के बारे में। क्रोएशिया एक ईस्टर्न यूरोप कंट्री होने के कारण, होने के बावजूद भी सस्ती है। मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज आपको बहुत महंगी मिलेगी, लेकिन ये सस्ती है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऑथेंटिक यूरोप घूमना है, एक्सप्लोर करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा क्रोएशिया। और तीसरी चीज़, जो कोस्टल एरिया है, जो बीचेस है, वो भी बहुत अच्छे हैं, और वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। दोपहर में मैं आपको दिखाऊंगा इंडियन रेस्टोरेंट और सिटी सेंटर कैसा दिखता है। दोपहर में 5 के आसपास हम लोग घूमेंगे। वैसे समर में, अभी समर चल रहा है, मई महीना चल रहा है, तो यहाँ पे सनसेट बहुत लेट होता है, 8-9 बजे सनसेट होता है। अभी मैं हूँ लोकल टैक्सी में और स्पीड अभी है 100 के बराबर, तो 100 स्पीड से यहाँ पे गाड़ी चलती है कम से कम, क्योंकि रोड बहुत अच्छे हैं और रूल कोई नहीं तोड़ता। तो यहाँ की यूरोप की ये खासियत है, आप सेफ ड्राइव करेंगे मिनिमम 100 के स्पीड से। अगर हाईवे पे हो तो 150 भी जा सकते हैं। रोड एकदम आपको अच्छे मिलेंगे, भले ही आप कितने भी छोटे गांव में जाओ, रोड आपको एकदम अच्छे मिलेंगे। अभी जस्ट समर स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपको ग्रीनरी आपको दिखेगी हर जगह पे, क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी में बर्फ़ रहती है, कोई ग्रीनरी नहीं रहती। लेकिन
अप्रैल मई जून में समर रहता है, तो ये पूरे ग्रीनरी रहती है। यहाँ पे क्रॉप भी जो लेते हैं वो ये समर में ही लेते हैं मेनली, तो यहाँ गेहूँ होता है या कॉर्न, स्वीट कॉर्न, जैसे मक्का, मक्का बोलते हैं हम लोग। सरसों, सूर्यफूल भी होता है यहाँ पे, सनफ्लावर, ये तीन चीज़ों की खेती होती है यहाँ पे मेनली। मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है यूरोप के बारे में, ईस्टर्न यूरोप के बारे में खास करके, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ही कम है इनका। एक कंट्री का पॉपुलेशन, जैसे क्रोएशिया की अगर बात करते तो 2-3 मिलियन पॉपुलेशन है, और इसलिए यहाँ पे कोई भीड़ नहीं दिखती। हर जगह पे स्पेसियस ही स्पेसी स्पेस है, शांति है, तो वो अपने को देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये मेन रोड पे है फिर भी इतना ट्रैफिक नहीं है, और ट्रक्स को लेके, ट्रक्स जो है वो इस हाईवे पे ही जाएंगे और कार सिर्फ रहेंगे छोटे रोड्स पे, क्योंकि ट्रक्स, ज्यादातर ट्रक्स छोटे रोड पे नहीं आते, जरूरत नहीं पड़ती। कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, कोई ब्रिजेस का काम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड है कंट्रीज, ज़रूरत नहीं इनको, और पॉपुलेशन कम होते जा रहा है डे बाय डे। एक चीज़ देखी मैंने यूरोपियंस लोगों में कि ये बहुत खुश है, लोग हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, ज़्यादा कुछ इनकी ज़रूरत नहीं है। जो घर है, कार है, 2-3 टाइम का खाना हो गया, तो बस ज़्यादा भूख नहीं है इनकी। इसलिए अगर आप टैक्सी ड्राइवर भी देखो तो भी वो खुश है अपने लाइफ में। कल्चर की अगर बात करते तो ये लोग ज़्यादा शादी नहीं करते, विदाउट शादी ही, विदाउट मैरिज रहते हैं साथ में, यंग जनरेशन खास करके। कुछ लोग शादी करते हैं, बहुत कम परसेंटेज है। पॉपुलेशन भी कम है, बच्चे भी पैदा नहीं करते ज़्यादा। अपने ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, और घूमने का बहुत शौक है इनको। साल में 2 बार घूमने जाएंगे फैमिली को लेके, 8 दिन के लिए, भले ही कितना छोटा आदमी क्यों ना हो। पोल्यूशन बहुत कम मिलेगा आपको, क्योंकि इंडस्ट्री है ही नहीं, इंडस्ट्री ना के बराबर है ईस्ट यूरोप में, सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, वो एरिया में इंडस्ट्री है, अदरवाइज इंडस्ट्री ना के बराबर है ईस्ट यूरोप में। हम लोग पहुंचे टोल प्लाजा, इंडस्ट्री ना होने के कारण कोई यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, और ये चाहते भी नहीं कि वो पोल्यूशन बढ़ाए, उनका मेन फोकस टूरिज्म पे ही है। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं ये लोग, और चाहते हैं कि टूरिस्ट को अच्छी सर्विस मिले, टूरिस्ट को अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिले, क्योंकि जैसे
जैसा टूरिज्म बढ़ेगा वैसा उनको पैसा आएगा बाहर से, उनके रेस्टोरेंट्स, होटल्स, टैक्सी सब कुछ चलेगा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने की कोशिश करेंगे। क्रोएशिया की जो करेंसी है वो अभी यूरो हुई है, पहले उनकी क्रोएशियन करेंसी थी लेकिन अभी यूरो हुई है करेंसी, जो कि अच्छा है। तो आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन फ्लाइट आती है यहाँ से, एमिरेट्स की आती है, कतार की आती है, टर्किश की आती है, तो उसकी अच्छी कनेक्टिविटी है, चाहे आप दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से या हैदराबाद से, कोलकाता से यहाँ पे आप आ सकते हो वो फ्लाइट लेके। पुराना रोड,